विकास दुबे की गिरफ्तारी के मामले में सियासत तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता आरपी सिंह ने मध्य प्रदेश गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर गंभीर आरोप लगाया है। प्रदेश कांग्रेस के नेता ने कहा है, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में नरोत्तम मिश्रा कानपुर के प्रभारी थे। सवाल उठ रहा है कि अब कानपुर का ही कुख्यात हथियारा मध्य प्रदेश में आकर सरेंडर करता है, यह संयोग है या प्रयोग है या सत्ता का दुरुपयोग है। कांग्रेस नेता आरपी सिंह ने यह भी कहा है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। मीडिया के माध्यम से ऐसी जानकारियां सामने आ रही हैं कि कानपुर के कुख्यात सरगना विकास दुबे ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में आत्मसमर्पण कर दिया है, लेकिन साथ ही साथ ऐसी सूचनाएं भी आ रही हैं कि मध्य प्रदेश के वर्तमान गृह मंत्री उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कानपुर के प्रभारी थे और अभी कानपुर का ही हत्यारा उस राज्य में आकर आत्मसमर्पण करता है जहां नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री है। ये संयोग है, प्रयोग है या सत्ता का दुरुपयोग है? कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग करती है।